Hey friends, click this subscribe button and press this bell to watch my latest videos daily. Hello friends, welcome to my YouTube channel Y&H Health. मैं हूँ आपके साथ भव्या। तो आज की इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके हाथ और पैर से निकलता है ज्यादा पसीना तो आप हो सकते हैं इस बीमारी के शिकार। आइए जानते हैं क्या है वो लक्षण जो आपके हाथ पैरों से ज्यादा पसीना निकलने के कारण हो सकते हैं। पर इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस डेली देख सकें। पसीना आना वैसे तो एक आम बात है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी भी है। पसीना आने से हमारे शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना आता है। कुछ लोगों को पूरे शरीर की तुलना में तलवों और हथेलियों पर बहुत पसीना आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो यह कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक बीमारी का संकेत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस बीमारी के बारे में बताएंगे। अगर आपके हाथों और तलवों में भी बहुत अधिक पसीना आता है तो आपको हाइपरहाइड्रोसिस नामक बीमारी हो सकती है। जिन लोगों को यह समस्या हो जाती है उनके शरीर में पसीने की ग्रंथि काफी अधिक एक्टिव हो जाती है। हाइपरहाइड्रोसिस प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की होती है। प्राइमरी हाइपोहाइड्रोसिस में बहुत अधिक समस्या नहीं होती और इसका कोई खास कारण भी नहीं होता, लेकिन इससे अलग सेकेंडरी हाइपोहाइड्रोसिस में कई गंभीर कारण भी नजर आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके कारण। आपको सेकेंडरी हाइपोहाइड्रोसिस की समस्या कई गंभीर बीमारियों के कारण भी हो सकती है। इन बीमारियों में से प्रमुख बीमारियां हैं मेनोपॉज, मधुमेह, हाइपरहाइड्रोसिस और लो ग्लूकोज आदि। यही कारण है कि आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस बीमारी के हो जाने पर आपको बिना घबराहट और गर्मी के ही पसीना आता रहता है। इस बीमारी के हो जाने पर व्यक्ति की हथेलियां, तलवे, बाजू और गुप्त अंग में बहुत पसीना आता है। मरीज को इतना अधिक पसीना आता है कि उसके कपड़े भी भीगे हुए महसूस होते हैं। अब बारी आती है कि इसका घरेलू इलाज आप कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जैसे कि आपको रोज अपने मोजे बदलने होंगे, जूतों का प्रयोग कम से कम करना होगा, कॉटन के कपड़ों को आप सबसे प्राथमिकता दें। इसके अलावा मेडिकल इलाज के कई तरीके हैं, उनमें से कौन सा आपके लिए उचित है ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो आज की इस हेल्थ वीडियो में हमने जाना कि जिन लोगों को हाथ पैरों में ज्यादा पसीना आता है उनको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। टिल देन, ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।